नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी सितंबर महीना खत्म होते चला, अक्टूबर महीना आते चला, तो वैसे एक टाइम के अंदर अगर आप अपने लिए एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो ये सही मौका है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रॉडबैंड कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑफर यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली जियो एयर फाइबर के बारे में बताऊंगा, और इसी कारण से बताऊंगा क्योंकि भारत देखिए काफ़ी बड़ा देश है और इस जगह के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से हर एक जगह के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुँचना पॉसिबल नहीं है। ये भी हो सकता है आप जिस एरिया के अंदर है वहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन जियो की तरफ से जुलाई महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि रिलायंस जो कंपनी के अंदर जो अपने एयर फाइबर सर्विस है वो ऑल इंडिया चालू यहां पर हो चुका है। अगर आपके एरिया के अंदर जियो 5G का नेटवर्क आते हैं तो आपको जियो एयर फाइबर कनेक्शंस मिल सकते हैं, जहां पर आपको 30 Mbps से 1 Gbps तक के स्पीड यहां पर मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा जियो एयर फाइबर के अंदर जो प्लान है वो क्या है, किस तरीके का बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, OTT के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा है, कितना प्राइस पॉइंट आपको पे करना होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों अगर मैं रिलायंस जो कंपनी की बात करता हूं तो उनकी तरफ से जो एयर फाइबर सर्विस है उसका सबसे बेस प्लान जो है वो 30 Mbps वाला प्लान है, जिसका प्राइस पॉइंट है 599 रुपये, जिसके अंदर आपको 30 Mbps का इंटरनेट स्पीड, 1000 GB मंथली डेटा लिमिट, साथ में आपको एक सेप्टॉप बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है जहां पर 800 से भी ज़्यादा का टीवी चैनल्स, और यहां पर जो OTT बेनिफिट्स आपको मिलते हैं 16 से भी ज़्यादा OTT बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं एक एक करके बता देता हूं कौन कौन से OTT आपका सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है। दोस्तों यहां पर जो OTT आपको प्रोवाइड किया जाता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, जियो सिनेमा प्रीमियम, सन नेक्स्ट, होईचोई, डिस्कवरी प्लस, ऑल्ट बालाजी, इरोज नाउ, लायंस गेट प्ले, सिमारोमी, ETV, तो ये जो सारे OTT बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है 599 रुपये वाले प्लान के साथ। हालांकि 30 Mbps वाला और एक प्लान अवेलेबल है जिसका प्राइस पॉइंट है 888 रुपये, जहां पर इतने सारे OTT के साथ आपको और 2 OTT आपका सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, नेटफ्लिक्स का बेसिक और अमेजोन प्राइम वीडियो का जो लाइट सब्सक्रिप्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है 888 रुपये वाले प्लान के साथ। तो ये था 30 Mbps वाला प्लान। सेकेंड प्लान अगर मैं 100 Mbps वाले प्लान की बात करता हूं तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 आपको जो पहला ऑप्शन मिलेंगे वो 899 रुपये वाले प्लान मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड, 1000 GB का मंथली डेटा मिलते हैं, और यहाँ पर भी आपको फ्री सेप्टॉप बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर 800 से भी ज़्यादा का टीवी चैनल्स और सेम OTT बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। और एक प्लान है जिसका प्राइस पॉइंट है 1199 रुपये, जहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम लाइट का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, बाकी सेम बेनिफिट्स आपको दिया जाता है, 100 Mbps का स्पीड और 1000 GB का डेटा। नेक्स्ट जियो एयर फाइबर मैक्स प्लान आ जाते हैं। मैक्स प्लान के अंदर आपको 300 Mbps का स्पीड से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर जिसका बेस प्राइसिंग है 1499 रुपये, जहाँ पर 300 Mbps का इंटरनेट स्पीड, साथ में आपको 1000 GB का मंथली डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं इंटरटेनमेंट की बात करता हूँ तो बहुत सारे OTT आपका सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, नेटफ्लिक्स का बेसिक, अमेजोन प्राइम लाइट, डिजनी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, जियो सिनेमा प्रीमियम, सन नेक्स्ट, होईचोई, डिस्कवरी प्लस, ऑल्ट बालाजी, इरोज नाउ, लायंस गेट प्ले, सिमारोमी, ETV, विन, फैन कोड, इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है 300 Mbps वाले प्लान के साथ 1499 रुपये पर मंथली। 500 Mbps वाले प्लान 2499 रुपये मंथली प्राइस, जहां पर जो आप चाहे तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के टर्म पर ले सकते हैं, जहां पर आपको 500 Mbps का इंटरनेट स्पीड मिलते हैं, 1000 GB का डेटा मिलते हैं, मतलब 1 महीने के अंदर यूज करने के लिए, और यहां पर भी जो आपको OTT बेनिफिट्स मिलते हैं वो सेम मिलते हैं 1499 रुपये वाला, और 800 से भी ज्यादा का टीवी चैनल यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट प्लान जियो एयर फाइबर मैक्स 1 Gbps वाला प्लान, जिसका प्राइस पॉइंट है 3999 रुपये, जहां पर 1 Gbps के स्पीड से आपको 1000 GB का मंथली डेटा मिलते हैं, साथ में यहां पर बहुत सारे टीवी चैनल्स भी आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, और जो अब मैंने कहा कि इससे पहले वाले प्लान के साथ जो भी आपको OTT बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी मिलते हैं। जियो कंपनी की तरफ से आपको डेटा एड ऑन प्लान भी मिलते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का ये 1000 GB मात्र डेटा सफिशिएंट नहीं होंगे, तो वो सारे लोगों के लिए 401 रुपये वाला एक प्लान है, जहां पर आपको 1000 GB और डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, 251 रुपये वाला प्लान, जहां पर 500 GB डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और 101 पैक, जहां पर 100 GB एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं, अगर आपके जो मंथली लिमिट है वो अगर खत्म हो जाता है तो आप अपने हिसाब से वो रिचार्ज यहां पर कर सकते हैं माय जियो एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया जियो एयर फाइबर का, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कितने प्राइस पॉइंट के अंदर आपको ये मिल सकते हैं, और क्या कुछ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, आपसे कुछ समय लगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।